जबलपुर नगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 9992499821। नवगछिया में होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग के डीजी ने किया नवगछिया यूनिट का निरीक्षण। कहा, लालच रोकिए, गलत नहीं करे, न करने दें, ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करें। बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी आर के मिश्रा ने रविवार को नवगछिया गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं अग्निशमन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन कार्यालय में पौधारोपण भी किया। मौके पर नवगछिया एसपी निधि रानी, प्रशिक्षु जिला समादेष्टा तृप्ति सिंह मौजूद थी। नवगछिया में निरीक्षण के दौरान वे सर्वप्रथम गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के दस्तावेजों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में उन्होंने होमगार्ड जवानों की समस्या को सुना और समाधान के दिशा में उन्हें जानकारी दी। मौके पर डीजी ने होमगार्ड जवानों को ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने एवं चुस्त दुरुस्त वर्दी रखने एवं फिट रहने की बात कही। पीआईडी के माध्यम से तुम रहेगा, अकाउंट रहेगा, पीआईडी बन जाएगा आसानी से, अकाउंट से पीआईडी बनता है। तो आपको यहाँ ड्यूटी करें या यहाँ से कहीं बाहर ड्यूटी करें, पीआईडी पर पटना में कीजिएगा, भागलपुर में कीजिएगा, मुंगेर में कीजिएगा, जहां भी ड्यूटी में जाइएगा वो जिला आपके पीआईडी पर वहीं से पैसा भेज देगा। अभी यहाँ वहां से पैसा निकलेगा, फिर कमांडेंट को आता था, फिर कमांडेंट देते थे। अब पीआईडी से सीधे आपका उस समय का पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, जिस जिला में काम करें वहां से आ जाएगा। तीसरा चीज हमारा, हमने इनको ये भी बताया है कि हमारे होमगार्ड के जवानों को चार चीजों से अवगत करेंगे। पहला चीज है इनका वर्दी चुस्त दुरुस्त हो, वर्दी देख के लगे कि ये जवान है, अनुशासन का फोर्स है, टोपी से लेके जूता तक एक ढंग का हो, ताकि ड्यूटी पे खड़े हो तो लोगों को रेस्पेक्ट हो, स्वाभिमान की बात हो, रेस्पेक्ट की बात हो, पहला तो ये। दूसरा इनको कहा है कि छोटी ड्यूटी मिलना है, बड़ी ड्यूटी मिलना है, जो ड्यूटी मिले उसमें जाके तन्मयता से काम कीजिए, जान चलिए चलिए ड्यूटी से कहीं भागना नहीं, ड्यूटी पे जमे रहना है। बहुत से मामले में ड्यूटी से गायब होने का रिपोर्ट आता है, उसकी कार्रवाई होती है। तीसरा जी मैंने बताया कि जब ड्यूटी पर कहीं लगा दिया गया है तो आप ये जानिए कि आपको जो 774 रुपया मिलता है सरकार से, वही आपकी कमाई है। उसके अलावा किसी तरह के गलत पैसे को हाथ लगा रहे हैं तो आप डीजी के साथ, होमगार्ड के सम्मान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इनका काम है उनमें मोरल का, लालच नहीं करने का, ऐसे गलत काम करने का काम नहीं करने का। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत सोहरा में पौष पूर्णिमा मेले में जुटे श्रद्धालु। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के सोहरा पंचायत में लगातार कई वर्षों से पौष पूर्णिमा के अवसर पर मां कौशल्या की प्रतिमा स्थापित कर हर्षोल्लास से पूजन किया जा रहा है। वहीं मां कौशल्या मेला कमेटी की ओर से 2 दिवसीय महादंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष पहलवानों ने अपने कर्तव्य दिखाए। मेले में बनारस, कानपुर व गोरखपुर के पुरुष पहलवान के साथ महिला पहलवान ने भी अपना दमखल दिखाया। मेले में बनारस के अक्षय पहलवान ने कुश्ती में अपना जौहर दिखाकर सबों का दिल जीत लिया। वहीं महिला पहलवानों में बनारस की रंजीता यादव और कानपुर की रिया पहलवान ने जबरदस्त कुश्ती का प्रदर्शन कर नारी शक्ति का परिचय कराया। कुश्ती में सफल पहलवानों को कमेटी के सदस्यों ने सम्मानित कर पुरस्कृत किया। नवगछिया
बिछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी, नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसवीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए, नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। नवगछिया में नेकी की दीवार कार्यक्रम के अंतर्गत निसहाय लोगों के बीच वस्त्र का वितरण। नवगछिया में नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत वार्ड संख्या 14 प्रोफेसर कॉलोनी हरिजन टोला में क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा ऊनी कपड़े, पैंट शर्ट, साड़ी, कम्बल इत्यादि का वितरण किया गया। संस्था के कोषाध्यक्ष विक्रम बडोलिया ने कहा कि यह कार्यक्रम लगातार एक महीने तक चलता रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। नवगछिया के नवादा में शराब बेच रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा किया पुलिस के हवाले। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवादा गांव में रविवार को गांव में देसी महुआ शराब की बिक्री कर रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस दौरान लोगों ने इसकी सूचना नवगछिया पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान युवक के पास से 1 लीटर से अधिक महुआ देसी शराब बरामद किया गया। नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार युवक रंगरा थाना क्षेत्र के उसरहिया झल्लू दास टोला निवासी बबलू मंडल है, जिसे नवादा के ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं गिरफ्तार युवक को सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा, जिसकी जानकारी नवगछिया थाना अध्यक्ष ने दी। नवगछिया पुलिस जिले के थाना व पदाधिकारी के चालक का SP ने किया फेरबदल। नवगछिया SP निधि रानी ने पुलिस जिला के विभिन्न थाना एवं पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस वाहन हवलदार व सिपाही चालक को 6 माह की अवधि पूर्ण होने के बाद फेरबदल किया है। नवगछिया पुलिस केंद्र के चालक हवलदार प्रभु नारायण सिंह को पुलिस केंद्र नवगछिया, महिला थाना क्षेत्र के चालक हवलदार राम नरेश पांडे को बेपुर अंचल, चालक सिपाही मिथिलेश कुमार बैठा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया से भवानीपुर ओपी, चालक सिपाही मुकेश कुमार को ढोलबजा थाना से रंगरा ओपी, चालक सिपाही पंकज कुमार सिंह को पुलिस केंद्र से झंडापुर ओपी, चालक सिपाही राकेश कुमार को पुलिस केंद्र से खरीक थाना, चालक सिपाही धनंजय सिंह को नगर थाना से नवगछिया अंचल, चालक सिपाही विनोद कुमार को SC/ST थाने से बीपुर थाना, राजेश कुमार राम को बीपुर अंचल से DSP हेडक्वार्टर नवगछिया, चालक धर्मेंद्र कुमार को नवगछिया अंचल से पुलिस केंद्र, भागेश्वर कुमार यादव को खरीक थाने से SC/ST थाना, दीपक कुमार सिंह को बीपुर थाना से परबत्ता थाना, रंजन यादव को झंडापुर ओपी से पुलिस कार्यालय, मुकेश कुमार शर्मा को भवानीपुर ओपी से कदवा ओपी, अभिमन्यु कुमार गुप्ता को DSP हेडक्वार्टर नवगछिया से पुलिस केंद्र, पंकज कुमार शाह को कदवा ओपी से नगर थाना, राजू कुमार को पुलिस केंद्र से गोपालपुर थाना, अमित कुमार को नदी थाने से पुलिस केंद्र, सुजीत कुमार को पुलिस केंद्र से पुलिस केंद्र, सौरभ कुमार को रंगरा ओपी से ढोलबजा थाना, जमील अहमद को गोपालपुर थाने से नदी थाना, पुष्पेंद्र कुमार सिंह को परबत्ता थाने से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया कार्यालय में पदस्थापित किया गया है। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया के खरीक में NH 31 पर साइड मांगने को लेकर ट्रक चालकों XUV सवार के बीच गोलीबारी, 2 घायल। ट्रक चालकों ने XUV सवार को पीटा। नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर रिलायंस पेट्रोल पंप बगड़ी के समीप रविवार की देर शाम साइड मांगने को लेकर ट्रक व
एक्सयूवी वाहन सवार के बीच गोलीबारी और मारपीट की घटना हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का इलाज कराया। इस संदर्भ में अज्ञात के विरुद्ध खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताते चलें कि देवघर से भोले बाबा को जलाभिषेक के बाद खगड़िया जा रहे एक्सयूवी सवार खगड़िया के हरदासगंज निवासी भास्कर सिंह अपने साथियों के साथ खरीक थाने क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप पर अपने निजी वाहन में पेट्रोल भराकर निकल रहे थे। उसी समय ट्रक चालक से साइड मांगा, लेकिन ट्रक चालक ने साइड देने में देरी की और ट्रक चालक और एक्सयूवी निजी वाहन सवार लोगों के बीच बहस होने लगी। अगल बगल के ट्रक चालक भी एकजुट हो गए। इस बीच अपना नियंत्रण खोकर एक्सयूवी सवार लोगों ने अपने हथियार से ट्रक चालक पर जान मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फायरिंग से आक्रोशित ट्रक चालकों ने एक्सयूवी सवार लोगों को जमकर पीट दिया। ट्रक चालकों की आक्रामकता को देखते हुए एक्सयूवी सवार लोग फायरिंग कर भागने लगा, जिससे ट्रक चालकों और स्थानीय ग्रामीणों ने गोली फायर करने वाले लोगों में से दो लोगों को खदेड़ कर पकड़ लिया, पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस घायलों से पूछताछ कर रही है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसके NH 31 पर बड़ी संख्या में लगे ट्रक के चालक एकजुट होकर एक्सयूवी चालक एवं उस पर सवार अन्य लोगों के साथ भी मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट की घटना में एक्सयूवी सवार खगड़िया के हरदासगंज निवासी भास्कर सिंह एवं यूपी के अयोध्या निवासी चालक रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी पर पहुंची खरीक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर चालकों की भीड़ भागने में सफल रही। SP निधि रानी थाना पहुंचकर मौजूद दोनों घायलों से घटना के बारे में पूछताछ किया, जिसमें घायल भास्कर ने बताया कि मैं अपने गांव के ही मित्र के साथ देवघर से पूजा अर्चना कर अपना घर जा रहा था, जिसके दौरान रिलायंस पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल लेकर घर की ओर आगे निकले तो ट्रक चालक अपनी गाड़ी लगाकर खड़ा था, काफी हॉर्न देने के बाद भी नहीं हटाया। मेरा चालक गाड़ी से उतरकर गाड़ी साइड करने को कहा तो उसने पैर से मारने का इशारा किया और पैर से मारने भी लगा, जिसके बाद वह पहुंचा तो उसके साथ ट्रक चालक ने मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं देर रात खरी पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे का फुटेज खंगाल रही है। SI SN मिश्रा ने बताया कि CCTV फुटेज देखने के बाद घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। नारायणपुर कृषि विभाग की टीम ने फॉल आर्मी कीट से बचाव की जानकारी किसानों को दिया। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के पहाड़पुर में मकई की फसल में फॉल आर्मी कीट के प्रभाव से सैकड़ों एकड़ में लगी मकई फसल बर्बाद हो रहा है। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने गंभीरता लेते हुए इसके बचाव के लिए किसान के बीच रविवार को पहाड़पुर पहुंच खेत में जाकर लोगों को जागरूक किया। नारायणपुर में जदयू ने मनाया विवेकानंद जयंती। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार के राम जानकी मंदिर परिसर स्थित माध्यमिक कन्या उच्च विद्यालय में रविवार को छात्र जदयू JP कॉलेज नारायणपुर इकाई के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। मौके पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में अजय रविदास, मिथुन यादव, प्रदीप कुमार, गौतम यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया विवेकानंद जयंती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर इकाई के तत्वाधान में रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती सेंट कैरेटन्स विद्यालय नारायणपुर में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन क्लासेज के डायरेक्टर एवं नगर सह मंत्री सुशांत कुमार ने किया।